नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तराखंड में स्थित बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ की आशंका को लेकर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने जिले के सभी तहसील के SDM और तहसीलदार को अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद वह शारदा व घाघरा नदी के आसपास के गांवों में पहुंचकर लोगों को सावधान कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निचले इलाकों में बसे लोगों को वहां से हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रशासन के द्वारा गांव में मुनादी भी कराई जा रही है। बता दें, क्षेत्र स्थित शारदा नदी और घाघरा नदी में हर साल बरसात के बाद भयंकर तबाही मचती है, जब बाढ़ आती है, जिससे दर्जनों के गांव और उनकी हजारों एकड़ जमीन नदी में भेंट चढ़ जाती है। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। हाँ जी पंचम जी, ये यहाँ पर जो शारदा नदी का कहर बरपाती है, बाढ़ आ रही है, क्या आप लोगों को परेशानियाँ होती हैं इससे? हम लोग को इससे बहुत परेशानी होती है। बाढ़ में जब आ जाती है तो बरसात जब से शुरू हो जाता है तब से हम लोग बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। हम लोग की ज़मीन जो है सब रेत में इधर आज़ाद के नगर के तरफ में पड़ता है, और वहाँ सब फसल जो है नष्ट हो जाते हैं, नदी में समा जाते हैं, कितने ज़मीन भी नदी में समा चुके हैं, और हम लोग बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। क्या प्रशासन की ओर से कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं? नहीं, प्रशासन के तरफ से तो कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ कोई देखने आता नहीं कि क्या समस्या है गाँव के ऊपर, क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ आता नहीं है। संदीप कुमार, कहाँ रहते हैं? श्रीनगर शारदा पुल पर रहते हैं। आप देख रहे हैं आज पानी का जलस्तर शारदा नदी में काफी ज्यादा है, किस तरीके से आप लोगों को जीवन यापन करते हैं, क्या सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन आपको सुविधाएं मुहैया करा? कोई सुविधाएं हमें नहीं हो रहा प्रशासन की तरफ से, अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया हम लोगों को, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे नदी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और पानी घुसने की संभावना पूरा हमारे गाँव में है, और यहाँ पे कटान भी काफी तेजी से हो रहा है, जिससे हम ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। तो कितना क्या नुकसान होता है? नुकसान तो मैं बता दूं आपको, हजारों हेक्टेयर जो हमारे गन्ने का फसल है वो हर साल चला जाता है इस नदी के पानी से, लेकिन प्रशासन कोई सूद लेने वाला नहीं यहाँ पे। तो क्या वजह है जो हर साल बाढ़ आ जाती है, इतनी बाढ़ की रोकथाम के लिए शासन काम करता है उसके बावजूद? वजह ये है कि जो नदी में सिल्ट जमा हुआ है वो काफ़ी नुकसानदेह है, वो सिल्ट साफ करते नहीं है, इसकी वजह से पानी जो है नदी में ना रहकर गाँवों के बीच में पानी आ जाता है, खेतों में पानी आ जाता है। तो क्या ज़मीनें वगैरह भी कट जाती हैं? जी, ज़मीनें तो बहुत सारी, हज़ारों हेक्टेयर, मैं बता दूं आपको, ये आसपास जो है मेरा दौलतों पर है, इधर श्रीनगर है, आज़ाद नगर है, यहाँ पे हज़ारों हेक्टेयर जो है हर साल ज़मीन नदी में समा जाती है। फिलहाल अभी तक कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा है? कोई नहीं पहुँचा अभी तक, कोई नहीं पहुँचा। जी, यहाँ पर बाढ़ आ रही है, शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या समस्याएँ होती हैं? और आपका मंदिर भी है, क्या श्रद्धालु वगैरह आते हैं? और मंदिर पर श्रद्धालु ना के बराबर आते हैं, जो मौसम जब सही होता है, जाड़े में या गर्मी में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है, लेकिन इस समय जब बाढ़ आती है तो लोग डर की वजह से नहीं आते हैं, बच्चों का पानी में बह जाने का खतरा है, स्वयं भी बह जाने का खतरा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं हो पाती। शारदा नदी यहाँ पर कोई घटनाएं होती रहती हैं क्या? जी हाँ, होती रहती हैं। क्या प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से थोड़ी बहुत मदद होती है, पुलिस भी लगी रहती है, दाव भी पड़ी है, ये सब होता है। तो इस तरीके जब आपका गुजर बसर कैसे चलता है? अरे गुजर बसर जो पीछे महीनों में पैसा आता है उसी से होता है काम। क्या ज़मीनें वगैरह भी कट जाती हैं? नहीं, ज़मीनें यहाँ बहुत कटती हैं, गन्ना धान पूरी पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बस